यूपीएससी टॉपर्स के अंक जारी। टॉपर शुभम कुमार को 52.04% अंक मिले, लेकिन इंटरव्यू में टॉप 10 में सबसे कम अंक। सेकंड टॉपर जागृति को 91.95% अंक मिले। नीतीश बोले, मुझे नहीं मिला तेजस्वी का लेटर। मुख्यमंत्री ने कहा, पत्र लिखेंगे तब ना पढ़ेंगे, मीडिया में चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव बोले, पहले अपनी व्यवस्था को सुधारिए। पटना में नदी में डूबने से एक किशोरी की मौत। जीतिया पर अपने माँ के साथ नदी में नहाने आई थी, पैर फिसला तो गहराई में चली गई, मौके पर हुई मौत। बगहा में बस एक्सीडेंट में 17 लोग घायल। बेतिया से आ रही लवकुश बस के चपेट में आने से एक बच्चे की हुई मौत, गंभीर स्थिति में 7 का चल रहा इलाज। ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन का 21वीं राष्ट्रीय सम्मेलन। डॉक्टर लक्ष्मी भारती को मिला बेस्ट प्रोग्रेसिव शिक्षाविद सम्मान। पटना में हुई सम्मानित, LNT में है सहायक प्राध्यापक। पटना में 1200 रुपए में पॉजिटिव को निगेटिव बताने वाली लैब हवाई यात्रा करने वाले लोगों को फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाकर देती थी, मालिक और कर्मचारियों पर FIR। बिहार में 3 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट, 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, नमी वाली हवाएं बना रही बारिश का सिस्टम। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर फिर चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। करोड़ों की ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधियों को मुंबई पुलिस ने पटना से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के ग्रामीणों ने जमीन देने से किया इनकार, बयानों से ही आकाश में उड़ रहे जहाज, जिनकी जमीन जाएगी उन्हें गांव के अस्तित्व की चिंता। जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, अर्धनिर्मित पिस्तल समेत हथियार बनाने का सामान बरामद, 2 गिरफ्तार। बेगूसराय में PG छात्र की गोली मारकर हत्या, दुकान पर बैठे युवक को बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। राजद का पटना में पोस्टर से NDA सरकार पर हमला, किसानों की हालत पर नरेंद्र मोदी और नीतीश खुश। लालू के बढ़ सकती हैं मुश्किलें, चारा घोटाले के ढुरंडक केस में 3 दिन के बजाय रोज हो सकती है फिजिकल सुनवाई, RGD चीफ के पटना आने से पहले ही समर्थक निराश। औरंगाबाद में श्राद्ध भोजन में आंधी बारिश से हादसा, भोजन कर रहे 7 लोगों पर 3री मंजिल से गिरी छत की रेली, 3 की मौत, 4 की हालत गंभीर।